ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमने कल क्या डिस्कस किया था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग्स होती हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होता है। क्या हमने आयत पढ़ी थी कि लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि कि ये जो अल्लाह ताला उनको तकलीफ़ें भेजता था, मुसीबतें भेजता था, कि ये अल्लाह ताला शायद के वो समझ जाएँ, शायद के वो बात समझ जाएँ और अल्लाह ताला के अजाब से डर जाएँ। लेकिन इंसान की फितरत है कि जब कोई मुश्किल आती है तो उस वक्त तो वो अल्लाह ताला से दुआ करता है, सारी चीज़ें भूल के अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। लेकिन जैसे ही कोई आसानी आती है, कोई नेमत मिलती है, तो वो कहता है ये तो होना ही था, ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ, ये तो हमने स्ट्रेटेजी ऐसी लगाई है। तो ये तो हमने कल क्लियर पढ़ा था ना, लेकिन एक जगह पर अल्लाह ताला ने एक और बात भी की है। वो सूरतुल कलम हमने फजर में पढ़ी है, आज तो नहीं, कल परसों, एक दो दिन से हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक वाक्या बयान किया है सूरतुल कलम में कि ये जो है ना मक्के वाले, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इनको ऐसे आजमाएंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, हम इनको ऐसे आजमाते हैं या आजमाएंगे कि जैसे हमने आजमाया था बाग वालों को, इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, के जब वो कसम खाने लगे कि जब हम सुबह उठेंगे तो फिर हम अपने बाग का फल और मेवा काट कर लाएंगे। ये एक वाक्य अल्लाह ताला ने सूरतुल कलम में बताया। ये मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि ये दुनिया में हमें बिल्कुल नॉर्मल, रियलिस्ट, आम सी बातें लगती हैं ना, अल्लाह ताला की तरफ से वो हो रही होती हैं और अल्लाह ताला उनको मेंशन करता है कि ये क्या है और क्यों हुआ है। जब भी कोई सैलाब आता है, जलजला आता है, कोई मुश्किल आती है, तो लोग इस डिस्कशन में पड़ जाते हैं जी नेचुरल डिज़ास्टर है या प्लेट्स हिल गई हैं ज़मीन की या अल्लाह का अजाब है। तो ये भी, जब मैं भी, ये 2005 का जलजला आया था तो ये बहुत डिस्कशन थी और हम बिल्कुल इसके ऊपर क्लियर नहीं होते थे कि ये कौन सा मैटर है। और ख़ासकर अब ये जो सैलाब आया, तो चलो प्लेट्स हैं ज़मीन की तो वो कोई एडजस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जो आया है सैलाब, तो इसमें तो बिल्कुल ऐसी क्लियर डिस्कशन हुई है कि जी डैम्स नहीं बनाए थे और स्ट्रेटजी सही नहीं थी, तो इस वजह से ये तकलीफ़ आई है। तो ये वाक़यात अल्लाह ताला ने कुरान में बताए हैं कि ये मुश्किल और परेशानी क्यों आती है, उसके पीछे रीज़न क्या होती है। आपको फ़िज़िकल सरकमस्टेंसेस में ही चीज़ लगेगी, उसके पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या होती है, फ़िलोसफ़ी क्या होती है, वो अल्लाह ताला ने हमें बताया। और जैसे हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि अल्टीमेट इल्म अल्लाह का है, वो हर चीज़ को बनाने वाला है। जैसे वो चीज़ को डिफ़ाइन करता है, असल डेफिनेशन उस चीज़ की वही होती है। समझ आ रही बात? नहीं समझ में आई बात? आ रही है? अच्छा, तो असल डेफिनेशन जो है ना, वो है जो अल्लाह ने दी है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, जितनी स्ट्रेटजीज होती हैं ना, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। जितना इल्म होता है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वो भी सारा अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक वाक़या बताया कि कुछ लोग थे, उनके कुछ खेत थे, बागात थे, जिनसे उन्होंने फल या फसल काटनी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि हम कस्में खाने लगे ना, बस सुबह तो हम ज़बरदस्त सी फसल काटेंगे। तो वला यस्तस्नून, लेकिन उन्होंने अल्लाह के साथ उस चीज़ को मंसूब नहीं किया, इंशाअल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल नहीं किया। फतौफ अलैहा तौइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, तो रात को वो सोए रहे थे, अपनी बस्तियों में थे, तो जो जहाँ फसल थी, उनका बाग था, वो शायद थोड़ा परे हुआ होगा। अक्सर जैसे आपने देखा, आबादी होती है, उससे परे खेत खलिहान बागात होते हैं। तो क्या हुआ कि फतौफ अलैहा तौइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, तो अल्लाह ताला की तरफ से ना कुछ फिर गया उनके ऊपर, उस बाग के ऊपर। अब वो आंधी थी, तूफ़ान था, बिजली कड़की, क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उस तूफ़ान, वो जो बाग थे ना, उनके खेत थे, उनका काम तमाम कर दिया। फअसबहत कस्सरीम, तो वो बाग जो था वो ऐसे हो गया कि जैसे बिल्कुल तबाहशुदा कटी हुई फसल, ठीक है, यानी उसमें से फसल, फल, मेवा कुछ भी नहीं बचा। फतनादौ मुस्बिहीन, तो अब इधर ये काम हो गया, और वो क्या कर रहे हैं बस्ती वाले, सुबह उठ के ना, सुबह उठ के ना सबको, जैसे होता है ना खेत फसल कटती है, आपको पता है, गंदम कटती है या कोई मेवा, तो सुबह ढोल पीटा जाता है, आवाज़ दी जाती है, एक दूसरे को बुलाया जाता है कि जी जमा हो जाओ, सारे पहुंचो, आज तो कटाई का दिन है, एक ख़ास डे होता है ना।
मेला सा हो जाता है वो। तो फ़तेह ना दो मुसबिहीन, सुबह सुबह वो आवाज़ें देने लगे, जगाने लगे एक दूसरे को कि चलो भाई अनिगदू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सौरिमीन, के चलो भाई चलो चलो सुबह सुबह चलो जाकर हम अपनी खेती काटते हैं, अपनी फसल काटते हैं। फ़न तलकू वहुम यतखौफतून, तो अब वो चल पड़े फसल काटने के लिए, लेकिन फ़तः खौफतू वहुम यतखौफतून, तो उन्होंने क्या किया कि वो चुपके चुपके सरगोशियाँ करने लगे। अब जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जिनके अंदर खैर नहीं होती, जुल्म की रविश इख्तियार की हुई होती है और नाफरमानी की रविश इख्तियार की हुई होती है, तो उनके अंदर ये चीज़ भी होती है कि वो ये समझते हैं कि हमने कमाया और हमने डिज़र्व की, हम डिज़र्व करते हैं। जैसे हमने कल भी पढ़ा था, तो वो फिरौन और उसके लोग भी यही कहते थे ना कि हम डिज़र्व करते हैं। तो जब कोई कहता है कि मैंने कमाया है, मैं डिज़र्व करता हूँ, तो फिर तो उसको बोझ लगेगा ना, उसको कहेंगे ज़कात दो, वो कहेगा मैं क्यों दूँ, मेरा है। उसको कहेंगे इसमें से मिस्कीनों का, यतीमों का, जो गुरबा है उनका हिस्सा रखो, कहेगा मैंने कमाया, वो कमाए ना, मेहनत करके कमाया करो। ये जुमले सुने हुए आपने, ये क्यों नहीं कमा लेता, ये क्यों नहीं, इसके हाथ पाँव नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। इस तरह के तकबुराना जुमले लोग कहते हैं। तो इन्होंने भी यही हरकत की कि सरगोशियाँ करने लगे। क्या सरगोशियाँ करने लगे? अल्ला यदखुलन नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आज तुमने ध्यान रखना है ये ज़रा मिस्कीनों को ना पता चले, किसी को अंदर नहीं दाखिल होने देना। कभी वलीमे वगैरह पे आपने देखा है, वो बाकायदा वहाँ पे ना, वो उन्होंने ड्यूटी लगाई होती है या मना किया होता है कि यार गुरबा मसाकीन इधर ना आए। और जो अहले खैर अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, बाकायदा गुरबा मसाकीन के लिए एक साइड रखी हुई होती है कि चलें उनका ख़ास हिस्सा रहे, कि वो कहीं रह ना जाए, कि कोई उनको भगा ना दे। तो अल्ला यदखुलन नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, तो अब ना वो आपस में करने लगे कि कोई मस्कीन, कोई ज़रूरतमंद ना इस तरफ आए, या उनको रोको या उनको मना करो। अल्ला यदखुलन नहल यौम, यानी आज के दिन कोई ना आ पाए इधर, पाबंदी लगा दो, बाड़ लगा दो, बंदे खड़े कर दो, डंडे खड़े कर दो, जो भी करना है पाबंदी लगा दो कि इधर कोई मस्कीन ना आ जाए। तो वगदौ अला हर दिन क़ादिरीन, तो अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब उनको ये लगा कि हम अपनी जो फ़सल है ना उसके ऊपर बिल्कुल कादिर हैं। वगदौ अला हर दिन क़ादिरीन, उनको ये लगा कि ये जो हमारी फ़सल है अभी हम जाके काट लेंगे, वो तो बिल्कुल तैयार हो। फलम्मा रऔहा क़ालू इन्ना लदालून, अब उन्हें लगा कि हम वहाँ जाएंगे, फसल तैयार होगी। बड़ा एक्साइटेड नहीं, जिस तरह होता एक्साइटमेंट से, वगदौ अला हर दिन क़ादिरीन, वो ऐसे उनको, वो बड़े एक्साइटेड थे। इसका ये मफहूम अगर करें तो बड़ा समझ में आने वाली बात है। फलम्मा रऔहा क़ालू इन्ना लदालून, जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा इन्ना लदालून, हम कहीं और तो नहीं आ गए। क़ालू इन्ना लदालून, उसका ये हाल हो चुका था। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हम कहीं और तो नहीं आ गए, हम कोई रास्ता तो नहीं भूल गए, ऐसी सिचुएशन थी वहाँ पे। बल नहनु महरूमून, फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, हम कहीं और नहीं आए, बल नहनु महरूमून, हमारा तो सब कुछ लुट गया। बल नहनु महरूमून, हम तो बिल्कुल महरूम होकर रह गए, सब लुट गया हमारा। قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, तो उसमें जो एक थोड़ा सा बैलेंस्ड बंदा था, मैनर रवि रख, बैलेंस्ड बंदा, थोड़ा सा समझदार कह लें, اوسطهم दरमियाना होता है लेकिन बैलेंस्ड कह लें उसके लिए, मुनासिब समझने के लिए बात है, जो थोड़ा सा बैलेंस्ड बात समझने वाला था, उसने कहा अलम अकुल लकुम लौला तुसबिहून, मैंने नहीं तुम्हें कहा था कि तस्बीह किया करो, अल्लाह की तारीफ़ किया करो, अल्लाह ताला ये सब कुछ देता है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हम भी सोसाइटी में देखते हैं, जब लोगों को हम कोई भी खैर वाला बंदा कहते हैं ये सब अल्लाह देने वाला है, तो आजकल रवैया ये है कि उन्हें पता है कि मैं ये मुँह से बात अल्लाह की गुस्ताखी करूँगा तो वो ब्लास्फेमी का वो लग जाएगा, तो वो मुँह से तो यही हम मुनाफ़त आ चुकी है ना, कि मुँह से तो कह रहे होते हैं कि सब अल्लाह देना, दिल में सोच रहे होते हैं मैं काम में अंडा पाया सी, कहते हैं ना, और जी मैं स्ट्रेटजी, तो अल्लाह माफ़ करे, वो ये सिचुएशन है, अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया ऐसी क्या सिचुएशन। तो قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, तो उसमें से जो थोड़ा सा बैलेंस बात करने वाला बंदा था, थोड़ा समझदार बंदा था, उसने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अल्लाह की तस्बीह किया करो, ये चीज़ें अल्लाह ताला देता है। जितना ज़्यादा बंदे को कामयाबी मिलती रहती है ना, तो बंदे को ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين, तो
अब इस सिचुएशन में ना एक बात समझ आ रही है कि वो कैसे लोग थे, अल्लाह से मंसूब नहीं करते थे चीज़ों को, ठीक है, और क्या करते थे, मिस्कीनों का हक भी मारते थे, और उनको उन्होंने फैसला किया हुआ था कि करीब भी नहीं भटकने देना जब फसल कटेगी, तो ऐसे लोग थे। लेकिन उनके अंदर कुछ खैर भी मौजूद थी, उनके अंदर भी ये चीज़ थी कि जैसे ही उन्होंने देखा कि सब तबाह हो गया और किसी समझाने वाले ने समझाया, तो फौरन उन्होंने रियलाइज़ किया, फौरन गलती का एहसास हो गया, क़ालू सुभाना रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, ए अल्लाह तू हमारा परवरदिगार है, तू पाक है, हम ही ज़ालिमों में से हैं, सुभाना रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, फौरन उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि हमारी गलती है, अल्लाह माफ़ करे। आजकल तो हमारे ऊपर पै दर पै मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ें आती हैं, ऐसा सैलाब आया कि आपके दो सूबे डूबे हुए थे, लाखों लोग, लिटरली लाखों लोग अफेक्ट हुए, कोई हम सैकड़ों हज़ारों दर्जनों की नहीं बात कर रहे, लाखों लोग अफेक्ट हुए। और वो वीडियो क्लिप आपने देखा होगा कि जब वो ट्रक में वो कुछ बांटने वाले आते हैं तो वो लोग ऐसे छीना झपटी कर रहे हैं, तो एक बंदा उसे छीन लेते हैं, तो वो तड़प के वो चीख मारता है कि ये मुझे एक जो थैला आटे का मेरे पास रहने, तो ऐसी उसकी दर्दनाक चीख है कि आज भी मुझे याद आ जाए तो मैं कांप जाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो क्लिप आपने देखा है ये हमारी एक नया इनिशिएटिव है अवैस नसीर एकेडमी का, उसके अंदर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, उसमें से आपने ये क्लिप देखा है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अवैस नसीर एकेडमी पर जाएँ और फुल कोर्स लें और पूरा टॉपिक डिटेल के साथ समझें, उसके अंदर क्विजेज वगैरह भी मौजूद हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, आप जब चाहें क्लास ले सकते हैं और अपनी पेस के ऊपर अपनी स्पीड के साथ आप जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं उनको लें और इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझें ताकि दीन का सही फहम आपको आ सके। आपने जाना है awaisnaseer.com/academy के ऊपर, awaisnaseer.com/academy, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पर कोर्सेज सारे पड़े हुए हैं और ये जो कोर्सेज हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। इनको कोर्सेज की फॉर्म में पब्लिश करने का मकसद ये है कि जो लोग अल्लाह ताला ने जो हमसे खिताब फरमाया है, जो चीज़ें हमें बयान फरमाई हैं और जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, उनको एक डिटेल्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जा सके और आप एक पूरे टॉपिक को डिटेल के साथ समझ सकें, इसलिए इनको कोर्सेज के फॉर्म में पब्लिश किया गया है। अदरवाइज़ सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है। उम्मीद करता हूँ आपसे मुलाकात होगी अवैस नसीर एकेडमी पे।